ऐसा लग रहा है कि पर्यटन जो है टूरिज्म कुड बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री, अगर हम सीरियसली इस पे काम कर लें तो ये कम लागत में बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, अगर उद्योग के रूप में इसको हम परिभाषित और विकसित करने का प्रयास करें। और ये लाखों लोगों को रोज़गार देने की क्षमता ये क्षेत्र अकेले रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई ज़िला होगा, और ज़िला ही नहीं शायद ही ऐसा कोई तालुका कोई तहसील होगी जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से भवन ऐसे नहीं होंगे, ऐसे स्थल नहीं होंगे जिनमें पूरे देश की जिज्ञासा हो या फिर विश्व की जिज्ञासा हो। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने पर्यटन के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत में भी कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश भी भारत ही नहीं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रहा है। यहां पर भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, गौतम बुद्ध भी उत्तर प्रदेश से बहुत ही गहरा नाता रखते हैं, बौद्ध संस्कृति के भी कई प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र भी है, अब कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में संचालित हो गए हैं। ऐसे में पर्यटन का जो बहुत बड़ा बाज़ार है, जो बहुत बड़ा आकर्षण का क्षेत्र है, उसका लाभ किस रूप में उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है, नया यूपी किस तरह से उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने वाला है, इस विषय पर हम पर्यटन विभाग के महानिदेशक सीनियर IAS मुकेश मिश्राम साहब से बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की जो क्षमताएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, आप स्वयं में मैं मानता हूं कि आप टूरिज़्म के एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि तमाम देशों की यात्राएं भी की हैं आपने और काफ़ी अध्ययन भी है आपका इस क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की जो पोटेंसी है इस एरिया में, उसे हम किस रूप में देख रहे हैं और राज्य सरकार ने किस रूप में इसको पहचाना है? उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से परिपूर्ण एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक, प्राकृतिक हर प्रकार के पर्यटन स्थल मौजूद हैं, और इनको हम अच्छी तरीके से अगर दुनिया के पर्यटन नक्शे पर स्थापित कर दें तो न केवल इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार लाया जा सकता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नवयुवक हैं, बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजी रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जा सकते हैं। इस दृष्टि से हमने हर क्षेत्र के ऐसे स्थल जो अल्प ज्ञात हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है, उन सब का एक मास्टर प्लान बनाना प्रारंभ किया है। उनका टूरिज़्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान बना करके कैसे उसकी अच्छी कनेक्टिविटी की जाए, इसमें लोक निर्माण विभाग ने सहमति प्रदान की है कि इन सभी पर्यटन स्थलों को, जिनकी अगर अप्रोच मार्ग ख़राब होगा तो उसको वो अच्छी तरीके से सुदृढ़ करेंगे और सुधारेंगे। इसी तरीके से हेलीपोर्ट की व्यवस्था करके हम हेलीकॉप्टर से भी कनेक्टिविटी उसकी अच्छी कर देंगे। एक्सप्रेसवे वैसे भी बहुत सारे इस प्रदेश में आ चुके हैं, उनसे इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी हो, इसके अतिरिक्त एक होता है जल मार्ग। हमारे प्रदेश में न केवल गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती ऐसी बहुत सारी नदियां अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित हैं, इन नदियों में भी हम जल मार्ग की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कुछ जगह पर छोटे छोटे क्रूज चलाए जा सकते हैं, कुछ जगह पर कनेक्टिविटी के लिए कुछ बोट्स बड़ी साइज की हम चला सकते हैं, तो इनको भी हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट इको टूरिज़्म बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। इस बोर्ड का ये काम होगा कि जो भी प्राकृतिक या नैसर्गिक स्थल हैं उनका हम डेवलपमेंट प्लान बनाएँ, और वन विभाग, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, ये सभी विभागों का एक समन्वय स्थापित करते हुए इन स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकें, उन्हें आमंत्रित कर सकें। इसके लिए हमारे पास में यदि हम प्रारंभ करें तो सोहगी बरवा, सोहेलवा, कतरनिया घाट, दुधवा, चूका, पीलीभीत, अमानगढ़, बिजनौर में जो अभी एक हाल ही में स्थापित हमारा एक बहुत ही बढ़िया वन अभयारण्य है, बुंदेलखंड में अगर हम जाएँ तो देवगढ़ ललितपुर में महावीर सेंचुरी है, रानीपुर चित्रकूट में अभी नई डेवलप हो रही है सेंचुरी, और साथ ही साथ 24 बर्ड सेंचुरीज़ हैं, यानी बड़े बड़े तालाब,
चाहे सुरहा ताल हो, चाहे बखीरा ताल हो, चाहे समसर ताल हो, सांडी पक्षी, इन सब जगहों पर भी हमारे पास में इको टूरिज्म की संभावनाएं परिपूर्ण है। अब किसी भी पर्यटक को इस प्रदेश में क्या चाहिए, तो वो अगर आना चाहता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि उसको रहने की अच्छी सुविधा हो, घूमने की अच्छी सुविधा हो, सुरक्षा का बोध हो, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो उनके साथ में फ्रेंडली हो, यानी टूरिस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फियर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो हमने इसके लिए 700 से अधिक युवा टूरिज़्म क्लब हमने इंटर कॉलेजेस में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में स्थापित किए हैं। हमें चाहते हैं कि जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनको सबसे पहले टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस समझाएं, क्योंकि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म, ये तीन जो है बुनियाद बन सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के। हम यदि उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसमें टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इसलिए लगभग 15,000 से अधिक युवाओं को हमने जोड़ा है अपने इन टूरिज़्म क्लब से। इन युवाओं के लिए हम कार्यशालाएं ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको जानकार बनाएंगे कि भाई कोई भी अगर टूरिस्ट आता है वह हमारे लिए, हम कहते तो ज़रूर हैं अतिथि देवो भव, लेकिन क्या हम अतिथियों को या मेहमानों को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं, यह इन्हें समझाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें जो अच्छे पर्यटन क्लब होंगे उनको हम पुरस्कृत करेंगे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के पुरस्कार से, और साथ ही साथ प्रत्येक युवा टूरिज़्म क्लब को 10,000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष हम प्रदान करेंगे, जिससे वो अपनी गतिविधियां भी वहां पर कर सकें, और प्रत्येक जनपद में एक युवा टूरिज़्म कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और स्टेट लेवल पर स्टेट युवा टूरिज़्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज होगा। इस बजट में सरकार ने 2 करोड़ रुपया युवा टूरिज़्म के लिए अलग से प्राविधान किया है। दूसरी तरफ जो नए स्थल हैं, जैसे नैमिषारण्य है, लखनऊ से मात्र 1-1.5 घंटे की दूरी पर सीतापुर जनपद में स्थित है, परंतु लोगों को इसका महात्म्य नहीं पता, इम्पोर्टेंस नहीं पता कि 88,000 ऋषि मुनियों ने सबसे पहले वेदों का पारायण यहाँ पर किया था, या सत्यनारायण भगवान की जो कथा प्रारंभ की गई थी वो यहाँ से की गई थी। बहुत सारी ऋचाएँ या आरण्यक जो लिखे गए थे उन सब के ऊपर यहाँ मंथन किया गया था, एक बहुत बड़ा समागम यहाँ पर हुआ था पूरे विश्व का। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नैमिषारण्य का विकास किया जा रहा है, शुक्र तीर्थ का विकास किया जा रहा है, शाकुंभरी देवी का एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है जंगल के अंदर है, उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। आपने अभी जैसे कहा बुद्धिस्ट टूरिज़्म, 6 महत्वपूर्ण स्थल जो बौद्ध मतावलंबियों के लिए अत्यधिक आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, चाहे वह श्रावस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, कुशीनगर हो, संकिस्सा हो, कौशाम्बी हो, या सारनाथ हो। इसके अलावा 2 और जगह हमने चिन्हित किया महाराजगढ़ जनपद में, रामग्राम और देवदह, जिनकी खुदाई अभी हमने प्रारंभ कराई है, और जैसी खुदाई प्रारंभ हुई तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कुषाणकालीन और उससे भी प्राचीनतम वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उन जगहों पर, और इनको हम लोग संरक्षित भी करेंगे और स्थापित भी करेंगे। दूसरी तरफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड अपने आप में शौर्य गाथाओं का या वीर गाथाओं का और अपनी पारंपरिक और प्राचीन धरोहरों से युक्त और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक अच्छा क्षेत्र है, जहां हमने सर्वेक्षण करके 30 से अधिक किलों और महलों को चिन्हित किया है, जिनको विकसित करके हम हेरिटेज होटल के तौर पर एक अनुभव प्रदान करने वाली प्रॉपर्टीज़ के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। इनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े डैम हैं, उन डैम्स में कैसे हम वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट करें, डैम्स के किनारे कैसे वेलनेस सेंटर स्थापित करें कि लोग आएं वहाँ पर, जैसे केरल है या राजस्थान है या गुजरात है या मध्य प्रदेश है या और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ी अपनी आगे लीड ली है। दूसरी तरफ विंध्य क्षेत्र में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं, और साथ ही साथ 140 बिलियन ईयर्स पुराना, 140 बिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल पार्क है। फॉसिल पार्क वो होते हैं जो जीवाश्म, यानी वह उस समय की जीवन को हमें प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो अभी पत्थर के रूप में हो चुके हैं, जो उस समय के पेड़ होंगे, जो उस समय के वहाँ पे जीवन होगा वो पत्थरों के रूप में तब्दील हो गया और एक बड़े पार्क के रूप में हमारे सामने स्थापित है। तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सोन नदी पर एक अवाड़ी
जगह है जो अपने आप में गोवा की तरह मिनी बीच है। वहाँ पर लोगों को लेकर के जा सकते हैं कि भाई आइए यहाँ पर, अपने आप में वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं, उनको हम लोग आगे लेकर के आएँ। तो इन सब के प्रचार प्रसार के लिए हमने ब्लॉगर्स को इनवाइट किया है। कोई भी व्यक्ति जो 1 लाख से ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, या ब्लॉगिंग करता है, या इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो आए, इन जगहों पर जाएँ, उनको हम आने जाने रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था अपनी तरफ से करेंगे। वो छोटी छोटी फिल्में बनाएं, रील्स बनाएं और अपने जो उसका चैनल है या जो उसका अपना वेबसाइट है उस पर डालें। ऐसे ट्रेवल राइटर्स, ट्रेवलॉग राइटर्स को भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और उसके लिए हम समय समय पर इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम वाराणसी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं जिसमें वाराणसी को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कंट्रीज़ के मध्य विश्व की कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। तो जो विश्व की कल्चरल कैपिटल है इसमें 7 देशों के टूरिज्म मिनिस्टर्स आ रहे हैं, चाइना से, उधर रशियन कंट्रीज से, और यूक्रेन से, और बहुत सारी जगहों से। उन सभी के मध्य हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की भी संस्कृति को और टूरिज्म को प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला करके ये तो हो गया कि हमारे पास क्या है। दूसरी तरफ लोग आएँ, सुविधाएँ विकसित करें, उसके लिए हमने यूपी टूरिज़म पॉलिसी 2022 में नवंबर में प्रारंभ की है। बहुत ही आकर्षित करने वाली पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति अगर ढाबे को अपने मॉडर्न करना चाहता है या ढाबा बनाना चाहता है सड़कों के किनारे, हमसे उसको 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, हम उसको देंगे। उसके अलावा अगर कोई चाहता है कि होटल बनाना चाहता है, गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, होम स्टे कराना चाहता है, गांव में अपने होम स्टे कराना चाहता है लोगों को, या अपने घरों में कराना चाहता है, उन सबको हम सब्सिडी देंगे। और जो सुविधाएं चाहिए उन सब सुविधाओं से युक्त उनको एक अच्छी पॉलिसी से हैंड होल्डिंग कराएंगे, यानी जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका से लेकर के ऑपरेशन की स्टेज तक उन सबको सुविधाएँ देंगे। जिन लोगों के पास में पुरानी हवेलियाँ हैं, कोठियाँ हैं, खुद के अपने महल हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको तो 2 फायदे मिलेंगे, उनको न केवल 25% सब्सिडी मिलेगी उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे या जो पूंजी उसमें लगाएंगे, उनको अगर बैंक से वो लोन ले रहे हैं तो 5 साल तक इंटरेस्ट सब्सिडी भी 5% की उनको उपलब्ध होगी। यानी दोनों फ़ायदे उनके पास में हैं, वो आएँ और अपने इस तरीके से पुरानी हवेलियों घरों को आपने, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि शायद मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न करने वाला था जिन सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए। ये एक विषय जो आपने अभी रखा है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में तमाम राजघराने भी हैं, उत्तर प्रदेश में मुग़ल पीरियड के भी तमाम ऐतिहासिक भवन हैं, तमाम ऐसे लोग जो यहाँ, चाहे वो मुस्लिम कल्चर से जुड़े हों या हिंदू कल्चर से, राजपूत कल्चर से, तो ये जो पुरानी रॉयल फैमिलीज़ हैं, नवाबों का लखनऊ तो है जहाँ पर हम बैठे हैं, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बताया बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थितियाँ भी ख़राब हैं, लेकिन वो सुंदर भवन हैं, निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट लोग उनके मालिक हैं। ऐसे तमाम मंदिर हैं, तमाम इमामबाड़े हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन अब वो लोग जो कभी रॉयल लेगेसी में रहते थे अब उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन पुराने भवन जो निजी तौर पे लोगों का निजी स्वामित्व है, इन्हें भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, या जैसे आपने बताया कि होम स्टे के रूप में या एक उसे छोटे होटल का रूप दे दिया जाए, तो ये प्राइवेट लोग या रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग हैं ये भी आपसे कनेक्ट करके लाभ ले सकते हैं इन चीज़ों का। जैसा मैंने बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग्स या जो धरोहर भवन हैं, वो किले हों, महल हों, कुछ जो निजी स्वामित्व में हैं उनको हम इस पर्यटन नीति का पूरा फ़ायदा देंगे। और लोग आ भी रहे हैं, अभी जो अयोध्या में, अयोध्या के राजा साहब हैं, उनका एक महल है, उसको कुछ लोग, कुछ जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की या होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जल्द ही वह एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से दुधवा में एक पुरानी हवेली कोठी है, उसको तब्दील करने के लिए लोग आगे आए हैं। और पूरे प्रदेश भर में ऐसे कई जगहों पर लोगों की बातचीत चल रही है जो बना भी रहे हैं और आगे बनाएंगे भी। जैसे मैंने देखा बागपत में एक शिकवा कोठी है, उसको उनके जो मालिक हैं उन्होंने तब्दील किया है हेरिटेज होटल के तौर पे, और बाकी जगह पे काम कर रहे हैं लोग। क्योंकि अब धीरे धीरे करके जैसे टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीच में 2 साल तक के तो कोविड की वजह से लोग थक गए थे,
हॉस्पिटलिटी सेक्टर या आतिथ्य का जो यह क्षेत्र है इसमें भी थोड़ी सी एक सेटबैक था, सुस्ती आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से पोस्ट कोविड यानी कोविड के इमीडिएट बाद लोगों में बाहर निकलने की होड़ मची हुई है, नई जगहों को जाने की, देखने की, समझने की, और मैंने ये देखा है कि अब लोग जो है भीड़भाड़ वाली जगहों से बच करके ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, वो नेचुरल एरियाज़ में जाना चाहते हैं, तो उसी के आसपास ऐसी हवेलियाँ या जो कोठियाँ होती है उनको कोई भी आदमी संरक्षण करे, उनको हम 25% जो सब्सिडी है वो उनके पूंजी निवेश पर उपलब्ध कराएंगे, उनको और भी सुविधा देंगे, जैसे कि लाइसेंस वाइसेंस लेने में भी हम लोग उनको सुविधाएं देने जा रहे हैं। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा विज़न दिखाई पड़ रहा है आपसे बात करने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पर्यटन जो है टूरिज़्म कुड बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री, अगर हम सीरियसली इस पर काम कर लें तो ये कम लागत में बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, अगर उद्योग के रूप में इसको हम परिभाषित और विकसित करने का प्रयास करें, और ये लाखों लोगों को रोज़गार देने की क्षमता ये क्षेत्र अकेले रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई ज़िला होगा, और ज़िला ही नहीं शायद ही ऐसा कोई तालुका, कोई तहसील होगी जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से भवन ऐसे नहीं होंगे, ऐसे स्थल नहीं होंगे जिनमें पूरे देश की जिज्ञासा हो या फिर विश्व की जिज्ञासा हो। तो क्या विभाग ने कुछ सर्वे कराया है, कुछ ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, या जो विभाग विचार कर रहा है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई यूनिक प्लेस, जैसे एक योगी जी ने एक गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था इंडस्ट्री के बारे में था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो टूरिज़्म सेक्टर में क्या हम कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, या हर तहसील स्तर पर हम एक डेस्टिनेशन वन डिस्ट्रिक्ट फोर डेस्टिनेशन इस तरह का भी कुछ विकसित कर रहे हैं कि सभी जनपदों को उस गौरव से जोड़ा जाए, उस अनुभूति से जोड़ा जाए कि उनके यहाँ भी कुछ विशेष स्थल हैं जो राष्ट्रीय गौरव या वैश्विक गौरव का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर जनपद में इस तरीके के स्थल हैं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर है, कई सारे हैं और सभी बड़े इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप वाराणसी की बात करें तो चाहे वाराणसी शहर के घाट और मंदिर हों और बगल में सारनाथ है, तो इसलिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में कई कई स्थल निकलेंगे। अगर आगरा में हम जाएँ तो फतेहपुर सीकरी भी है, सिकंदरा भी है, आगरा खुद अपने आप में ताज भी है, एतमादउद्दौला है, तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे क्लस्टर्ड वे में हैं लोग स्थल। तो हमने ये हर जनपद में एक जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया है और जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और बाकी विभिन्न जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उसके सदस्य हैं। इन सब के माध्यम से हमने एक काम प्रारंभ किया है कि ये जो पर्यटन परिषद है ये अब चिन्हित करेगी, हर जनपद का एक टूरिज़्म डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, उसमें कौन कौन से कमियां हैं, कनेक्टिविटी की कमी, साइनेजेस लगाने की कमी, मार्केटिंग की कमी या उसके प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई और कोई भी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, और हर जनपद में इन पर्यटन स्थलों और वहाँ पर्व त्यौहार, क्योंकि कल्चर के बिना पर्यटन अधूरा होता है, तो जो सांस्कृतिक एलिमेंट्स हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, इनको कैसे उभार करके आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम हो रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर। ये मोबाइल ऐप पर हर गांव की वो धरोहरों को निकाल के जा रहा है, उसमें धरोहर में खान पान, पहनावा, लोकगीत, लोक संगीत, कोई पुरानी बिल्डिंग, कोई पुरानी बावड़ी, कोई पुराना कुआं, इन सब की लिस्टिंग की जा रही है। तो पूरे प्रदेश के ऐसे स्थलों का एक बड़ा डाटा बैंक हमारे पास में आ जाएगा और फिर जैसे जैसे उसकी हम हिस्ट्री निकालेंगे, क्योंकि टूरिज़्म फिर स्टोरी टेलिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर हम जैसे बताएं महोबा, महोबा में रहिला वंश का एक बहुत बड़ा सूर्य मंदिर था जो लोगों ने ध्वंस कर दिया है, अभी अवशेष है लेकिन फिर भी अभी कुछ इंटैक्ट है, तो ये अपने आप में, क्योंकि सूर्य मंदिर जो है बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ महोबा में है एक सूर्य मंदिर, कोणार्क में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है और कई और जगहों पर है लेकिन संख्या कम होती है। दूसरी तरफ जो जिन लोगों ने देखा है कि बाजीराव मस्तानी फिल्म भी देखी है, उसमें जो मस्तानी का एक किरदार है वह महोबा का रहने वाला और वहाँ पर मस्तानी महल है, उसको संरक्षण करके कि किस तरीके से ये पूरी की पूरा इतिहास अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा रहा है, इसको लोगों में जानने की जिज्ञासा होती है, खासतौर पे ऐसे पर्यटक जो जानकारी के साथ में
निकलते हैं कि हमको ये सब चीज़ों को देखना है या जानना है, तो उनके लिए भी हम इतिहास को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से। बहुत सारी जगह पे हमने किया है, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो, श्रावस्ती में, झांसी फोर्ट में, अभी आगरा फोर्ट में हम लोग बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी तरीके से गोरखनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो है, रामगढ़ ताल में लाइट एंड साउंड शो है, बहुत सारे अन्य जगहों पर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जहाँ जहाँ पर आवश्यकता लाइट एंड साउंड शो का वहाँ पे स्थापित करें। तीसरा, जो पर्व और त्यौहार होते हैं क्योंकि उनको कैसे बड़े स्तर पर हम आयोजित करें। अयोध्या में दीपोत्सव को बड़े स्तर पर विश्व स्तरीय रूप में हम लोग मनाते हैं साल दर साल। इस वर्ष भी और बेहतर तरीके से उसको आयोजित करेंगे, जिसमें कई देशों की रामलीलाओं को हम लोग आमंत्रित करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने 7 देशों की रामलीलाओं को आमंत्रित किया था, इस बार और ज़्यादा रामलीलाएं हम आमंत्रित करेंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे उसका, क्योंकि पिछले साल जैसे 5 दिन का हमने कार्यक्रम किया था, इस बार 7 दिन का करेंगे, तो बढ़ाते जाएंगे। दूसरी तरफ जो है रंगोत्सव है, इस समय प्रारंभ हो गया है, लट्ठमार होली है, लड्डूमार होली है, फूलों की होली है, तरह तरह की होली है वहाँ पर। हुरंगाओं का पूरा दल जो है बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, वो सब पूरा अपना घूमता रहता है। इसी तरीके से देव दीपावली वाराणसी की, प्रयागराज में कुंभ है, हर साल माघ मेला लगता है और 2025 में महाकुंभ की तैयारी चल रही है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है पर्यटन का और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जानकारियां आज हमें मुकेश मिश्राम साहब से मिली हैं, विस्तृत बात हुई, आपने बड़ा सहयोग किया। और पर्यटन का जो क्षेत्र है, पर्यटन सिर्फ एक विषय नहीं है, पर्यटन बहुत सारे विषयों को अपने आप में समाहित करता है और मनुष्य के सभ्य होने की जो प्रक्रिया है, जब मनुष्य सभ्य होता है तो वह दुनिया को देखना चाहता है, अपने क्षेत्र को जानना चाहता है, अपने देश को जानना चाहता है, और जब भी वो कुछ जानने के लिए घर से निकलता है तो वो एक पर्यटक बन जाता है। तो सरकार ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटक बने, अपने देश को जानें, अपने शहर को जानें और दूर दूर के जो लोग हैं उन्हें भी बताएँ कि उनके ज़िलों में, उनके शहर में, उनके गाँव में क्या खास है, उन्हें भी इन्वाइट करें। और उत्तर प्रदेश की सरकार, पर्यटन विभाग आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है और उम्मीद है कि ये विभाग जल्दी ही नए कीर्तिमान हासिल करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।